अपनी बनाई है, आपको बनाना दिखाती हूँ बनाकर, क्योंकि हम सिर्फ एक ही तरीके से नहीं, हम भी अपनी लीव्स मुकम्मल कर सकते हैं, मुख्तलिफ तरीके से कर सकते हैं। ये 7-8 मैंने लीव्स के बनाए हैं निशान, आप देख रहे होंगे ट्रेस किए हैं। तो इसके बाद ये मैं आपको बताती हूँ कि आप कितने तरीकों से अपनी लीव्स बना सकते हैं। ये देखें, ये सबसे पहले मैंने बनाई हैं, ये लंबे लंबे टांके लिए हैं कुछ लीव्स के, फिर इसके ऊपर से जैसे हम तारकशी का फिल करते हैं उस तरीके से हम ये इसको फिल किया, मैंने बनाना स्टार्ट करते हैं। ये पहले मैंने आउटलाइन कर ली थी आउटलाइन टांके से, तो फिर दरमियान में मैंने इनके लंबे स्टिच लेकर फिर ऐसे दोबारा इनको फिल करूंगी। ये देखें, एक ऊपर एक को नीचे, एक ऊपर एक को नीचे, ऐसे करके इसको फिलिंग करेंगे इसकी। ये देखें, मैंने कुछ बनाई है, ज्यादा टाइम ना लगे। ये देखें, जब रह जाता है तो थोड़े टांके जब छोटे हो जाते हैं तो थोड़ा सा इसको नीडल को निकालना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप थोड़ा सा आराम आराम से इनको कर रहे हैं। देखिए कितनी प्यारी प्यारी हमारी लेस बनी है। कंप्लीट करते हैं, लीव को स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये हम बटन ओवर अपने बटन ओवर स्टेज से करेंगे इसको फिल। अपनी लीव हर टांके से आप कर सकते हैं, जिससे बनाना चाहें बनाएं। छोटे छोटे स्टिच लेने हैं, मैंने थोड़ा सा इसमें शेड दिया है क्योंकि वो ज़रा मुझे अच्छा लग रहा था। आप छोटे छोटे स्टिच लेकर बिल्कुल तो अलग से भी इनको बना सकते हैं, एक ही धागे से भी। मैंने थोड़ा सा डबल शेड दिया है, इस तरह बनाना चाहें तो इस तरह बना लें, वरना आप एक ही धागे से बना सकते हैं मुख्तलिफ छोटे छोटे स्टिच लेकर। इस बटन ओवर स्टिच से तो हमारे फूल बने हुए इतने खूबसूरत लगते हैं, इतना खूबसूरत स्टिच है ये।
देखिए डबल शेड से मैं थोड़ा सा इनके अंदर टच दे रही हूँ डबल शेड का। अगर आप एक ही धागे से करना चाहें तब भी कर सकते हैं, दोबारा ये डबल शेड ना करें, एक ही धागे से आप इसको फिल कर लें तब भी बहुत खूबसूरत लगेगी। बटन होल स्टेज का यही फ़ायदा होता है कि ये इसके अंदर आप डबल धागा आराम से लगा सकते हैं, क्योंकि इनमें गैप रह जाता है थोड़ा सा। अगर आप साथ साथ बिल्कुल लगाएंगे करेंगे तो फिर गैप नहीं रहेगा, फिर आप एक ही धागे से फिल कर लें इनको। ये देखिए हमारी ये भी लीव्स मुकम्मल हो, ये देखें। अब ये हम इस लीव्स को हम फ्लाई स्टिच से करेंगे। खूबसूरत खूबसूरत लीव्स होती हैं, अब जिस टांके से मर्जी आप इनको फिल करें। ये देखें ये हमारी येलो वाली भी कंप्लीट हो गई है। अब इस ये थ्रेड थोड़ा रह गया इसलिए मैं इसको यहीं पे कंप्लीट कर रही हूँ। देखें ये देखें हम इस लीव्स को हम स्टेन स्टेज से करते हैं। देखें अब हम इस स्लीव्स को फिश बोन जो स्टिच है उससे भरते हैं। फिश बोन स्टिच बहुत खूबसूरत लगता है कि क्योंकि ये दोनों इनके दरमियान में एक आ जाता है, एक नॉट सी आती है, वैसे जैसे हमने पीछे ये बनाई है फ्लाई स्टिच इसी तरह है ये भी, लेकिन इसके दरमियान में एक नॉट सी आ जाती है तो थोड़ा सा इससे ये भी मुख्तलिफ हो जाता है उससे।
ये देखें, अभी ये और टांके से इसको करते हैं, इसके दरमियान में नॉट आएगी, इसको ऐसे लगा के दरमियान में नॉट देकर दोबारा से वहीं से दोबारा जहाँ से पहला टांका लिया है वहीं से दोबारा से लेके ये देखें पैटर्न स्टेज से इसको फिल कर रहे हैं। अगर थोड़ा बड़ी लीव्स हों तो आप दो टांके दरमियान में दे सकते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी हैं इसलिए मैंने एक एक टांके दरमियान में दी है। ये हम बास्केट स्टेज से इसको फिल करेंगे, ये देखिए छोटे छोटे, बिल्कुल आपने छोटे छोटे टांके लेने हैं ताकि हमारी लीव जो है वो कम उसको भरी भरी हो। अगर थोड़े बड़े टांके लेंगे तो फिर ये इस तरह लीव हमारी भरी भरी नहीं आएगी। ये देखिए टांके से आप अपनी लीव्स को भी भर सकते हैं। देखें अब हम रोजेस बनाते हैं बुलियन स्टेज से, तो ये उससे मैंने आए ये भी लीव्स मुकम्मल की। ये देखें
निकाल के इसके ऊपर आप रोल करते जाएं, ये अपनी मर्जी है, जितना आप लंबा टांका लेंगे इतना उस हिसाब से आप जितना भी रोल कर लें इसके ऊपर, 10-15 दफ़ा रोल करके इस साइड से निकाल लेनी है। दोबारा वही टांका लेना है और दूसरी साइड से देखिए मुख्तलिफ स्टिचेस से हमने इनको कंप्लीट किया है और इतनी खूबसूरत लग रही है हमारी लेव्स। आप इसी तरह आप हर स्टिच से इनको कंप्लीट कर सकते हैं, जो भी आप जिस स्टिच को इस्तेमाल करें अपनी शर्ट वगैरह में उसी स्टिच से फूल बनाएं तो उसी स्टिच से ये भी कंप्लीट कर सकते हैं, इतनी खूबसूरत लग रही हैं। देखें मुख्तलिफ स्टिचेस हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।